अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर सना असलम, आई एम एफ सी पी एस डर्मेटोलॉजी यानी कि माहिर अमराज़ जिल्द बाल नाखून एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। टुडे आज हम बात करेंगे कि पीआरपी थेरेपी क्या है। पीआरपी तकरीबन जो लोग इंटरनेट पर यूज़ करते हैं, जिनका स्किन में स्किन रिलेटेड इश्यूज़ में इंटरेस्ट है, दे विल हैव गॉन थ्रू द टर्म पीआरपी, कि पीआरपी क्या होती है बेसिकली और क्यों की जाती है। पीआरपी होता है जो हमारा अपना ही ब्लड होता है, आपके अपने खून से एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए, जिसको सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस कहते हैं, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। जैसे कोविड डेज में सबने प्लाज्मा का सुना होगा कि प्लाज्मा तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत सारी बीमारियां जो प्लाज्मा से ट्रीट हो जाती हैं। तो वाइट से कलर का, येलो से कलर का रादर होता है एक फ्लूड, वो हम अलग कर लेते हैं, वो प्लाज्मा होता है। आपके खून से बनता है तो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं करता। इसके पीआरपी इज़ अ मैजिक, बहुत सारे यूजेस हैं उसमें, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। बाकी स्किन के अलावा भी बहुत सारे में होता है, जैसे किसी को जॉइंट पेन है तो उसकी हम इंट्रा आर्टिकुलर पीआरपी दे देते हैं, ठीक है। अब हम स्किन के बारे से अगर बात करें तो पहले फेस पे बात कर लेते हैं। फेस में पीआरपी थेरेपी की जाती है फेस की, विद माइक्रो नीडलिंग करें तो उसको वैम्पायर फेशियल कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, स्कार्स वगैरह को जो है वो रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। आपके रिंकल्स, स्कार, प्रीमैच्योर एजिंग साइन उसको रिमूव करेगा, स्किन रिजुविनेट करेगा, फ्रेश ग्लोइंग टाइट स्किन आपको देगा, ठीक है। तो ये फेस के लिए हो जाता है। इसके अलावा एक इसमें होता है जिसमें हम पीआरएफ बनाते हैं, उसको एज फिलर आप एक्नी स्कार्स वगैरह में या कोई भी डिप्रेस्ड एरिया है जहाँ पर फिलर की ज़रूरत है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये डार्क सर्कल्स के लिए पीआरपी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अब हम आते हैं इसके अलावा आपने किस चीज़ के लिए पीआरपी करवानी है, डर्मा के हवाले से, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो हमारे हेयर होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया हो या एक टर्म होती है टेलोजेनोफ्लू, में बाल गिर रहे हैं आप करवा सकते हैं, बाल वीक हो रहे हैं आप करवा सकते हैं, बालों की कोई डिजीज़ आ गई है, एलोपेशिया एराटा आ गया है, टेलोजेनोफ्लू आ गया, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया आ गया, या कोई भी आपने क्रैश टाइट करा कि आपके बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ये टेलोजेनी होता है, तो उसमें पीआरपी का बहुत अच्छा रोल आ जाता है। अब करनी कैसे होती है, बालों के वाले से बात करें तो मंथली कुछ लोग 3 वीक से बात करते हैं, मैं जो प्रेफर करती हूँ आई डू द मंथली सेशंस, ठीक है। मंथ के बाद आपने जो है करना है 15 से 20 ml आपके ही ब्लड लिया जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। उस प्लाज्मा को फिर आप इंजेक्ट करवाते हो, बिल्कुल बारीक सी नीडल आती है मीजोथेरेपी नीडल, उसके ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। और जब हम स्कैल्प पे करते हैं तो यूजली वी डू द नर्व लॉक करते हैं, उससे फिर पेन की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और फेस पे करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है, अगर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज एरिया तो फिर इंजेक्ट के ज़रिए कर सकते हैं, वरना माइक्रो नीडलिंग के साथ की जाती है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल, इफ़ यू नीड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, यू वॉन्ट अ ग्लोइंग फ्रेश ब्यूटिफुल फेस फ्री ऑफ रिंकल्स एंड स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, देन प्लीज़ कम टू अस फॉर पीआरपी फेस। एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल, वीक हेयर, अनहेल्दी हेयर, देन काइंडली कम टू अस फॉर पीआरपी स्कैल, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ पीआरपी थेरेपी। और बाकी ये आजकल तो जैसा हाथों वगैरह की इनकी भी करते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। जो भी हिस्सा आप चाहते हैं यंग हो जाए, प्यारा हो जाए, अच्छा हो जाए, टाइट हो जाए स्किन, तो यू मे कम टू अस फॉर द पीआरपी थेरेपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई फेसबुक पेजेज एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।